खबरदार खबरदार, अगर तुमने हमारा मंगलसूत्र खींचकर इसे उतारने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए सबसे मजाक होगा, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी है। मैडम जी, मजाक नहीं, हमारे लिए ढकोसला है, ढकोसला। आज मंगलसूत्र का ना कोई मतलब नहीं, और अगर कोई मतलब होता होगा ना तो दामिनी के लिए है, दामिनी का हक, इस पे आपका नहीं। नहीं, हम तुम्हें इसे उतारने नहीं देंगे। तुमने इसे हमारी मर्जी के साथ हमें पहनाया है ना, तो बिना हमारी इजाजत के तुम इसे उतार नहीं सकते और ना ही ये रिश्ता तोड़ सकते हो। इस मंगलसूत्र पर किसी दामिनी का हक नहीं है, हमारा हक है। हम अपना हक किसी को नहीं देंगे। हम दामिनी को बता देंगे कि वो हमारे और बैजू के बीच में आ रही है। मैडम जी, आपको अंदाजा भी नहीं कितना तकलीफ होता है हमको, और हम कभी आपको अंदाजा लगने भी नहीं देंगे। मिस्टर जी, आप भी, अरे हटाइए ना हाथ में। चुप। अब गिर जाएंगे तो फिर? अरे नहीं गिरोगे। तुम्हारे लिए इस कमरे में एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज है। हमारे ही कमरे में हमारे लिए का सरप्राइज है? बस परफेक्ट, अब यहीं खड़ी रहो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। उदयपुर में और ये वैलेंटाइन वाली बहुत सुंदर है। थैंक यू, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए और भी कुछ फोटोज हैं जो इसमें ऐड करने बाकी है। उधर देखो, पीछे नहीं देखना, ऐसे खड़ी रहो। ये देखो, ये रागिनी के साथ उसके बाबूजी आए, और ये मिस्टर जी के साथ रागिनी, और अब ये फोटो फ्रेम हुआ कंप्लीट। मिस्टर जी, थैंक यू। यू वेलकम। अब एक मिनट, हमारे पास भी ना आपके लिए एक ठो सरप्राइज है। उसके लिए आपको भी अपनी आंखें बंद करनी होगी। अरे ठीक है, आंखें मत खुलेगा। आंखें मत खुलेगा मिस्टर जी, ठीक है? ओके, अभी खोलूं? हाँ, तीन गिनने पे। ओके, एक दुई तीन। अरे वाह रागिनी, ये तो बहुत ही अच्छी फोटो है। मिस्टर जी, हम चाहते हैं कि हमारा जो छोटा ठाकुर है ना, वो हमारी फोटो के साथ साथ पूरे घर वाले की फोटो भी देखे, ताकि उसमें ना सबके गुण आए, हमारी फैमिली के, आपकी फैमिली के। हमको यहाँ बुला के बेजू महाराज कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक। लगा हुआ तुमको आए? हमको यहाँ काहे बुलाए हो? हम कह दिए तुमको, जो पैसा है ना वो काम होने के बाद मिलेगा। अरे हमने तुमको नहीं बुलाया है, हमको तो खुद सृष्टि जी ने कहा कि बेजू तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहा है। का पगले औरत हो तुम, अपने फोन से तुमने हमको मैसेज किया? अरे हमने नहीं किया। तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा बताओ? वो मैसेज तुम्हें हमने किया था। दामिनी के फोन से, और दामिनी को भी ये कहकर बुलाया है कि तुम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हो। मैडम जी, क्या खिचड़ी पका रही हैं यहाँ पर, आप बताइए तो। वो देखो, आइए हमारे साथ। बैजू, तुमने हमसे कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तुम सही कह रहे थे, हम थोड़े से सेल्फिश हो गए थे, लेकिन अब नहीं। अगर तुम और दामिनी एक दूसरे से प्यार करते हो तो हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? हम आज तुम दोनों की शादी करवाएंगे, और तुम दोनों की शादी करवाकर
अपनी दोस्ती निभाएंगे। आओ बैठो यहां पर। तुम वहां मुंह फुलाए क्यों खड़े हो? आओ आकर बैठो। बैठो। पंडित जी आप विधि शुरू कीजिए। सारी सामग्रियां हैं ना आपके पास? बिटिया सब कुछ तो ठीक है पर मंगलसूत्र नहीं है। कोई बात नहीं पंडित जी, मंगलसूत्र हमारे गले में है। बैजू हमारे गले से उतार कर दामिनी को मंगलसूत्र पहना देगा। ये सब का नाटक चल रहा है मैडम जी? नाटक? शादी नाटक थोड़ी होती है, ये तो संस्कार होते हैं। और तुम तो यही चाहते थे ना पंडित जी। आप शुरू कीजिए। अरे हम भी कैसे बुद्धू हैं, गठबंधन करना तो भूल ही गए। जस्मरे पंडरीकाक्ष ओमाभ्यंतर शुचि ओम पुनातु ओम पुनातु ओम पुनातु। पुष्प हाथ में रखिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय। पुष्प रखिए। अब आप लोग खड़े होकर अग्नि के सामने फेरे लीजिए। हमें आज इन फेरों को देखना ही होगा, कमजोर नहीं पड़ेंगे हम। अब फेरे के लिए कन्या आगे आए। हे भगवान सच में कहीं शादी ना हो जाए। हे भगवान अब क्या होगा? हमको ये शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं कर सकते? जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते ये शादी? ये तुम्हारी मंगेतर है ना? ये तुम्हारी मंगेतर? झूठ बोले थे आपसे, नहीं है हमारी ये मंगेतर। हम जानते थे कि ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। दामिनी, दामिनी कहाँ हो तुम? हम
हम अपने और बेजू के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट फैमिली डिटेल्स पैसे टिकट इसका मतलब है दामिनी। बैजू अभी हमें गणेश मंदिर में आके मिलो। मतलब अब शादी नहीं करनी पड़ेगी? ये आपके इश्क मोहब्बत के चक्कर में मैं फंस गई। मुझे तो बॉम्बे एक्टिंग करने के लिए जाना था और उस पैसे के चक्कर में मैं इसके झांसे में आ गई। क्या अब हम बॉम्बे नहीं जा पाएंगे? हम तुम्हें पैसे दे देंगे मुंबई जाने के लिए। थैंक यू मैडम जी। तो पैसे मैं बाद में ले लूंगी। अच्छा बिटिया अब हमारा क्या काम? मैं भी चलता हूं। जी पंडित जी। बताओ हमें क्यों नहीं करना चाहते थे शादी? जवाब दो। काहे नहीं किए ये जरूरी नहीं है मैडम। हम काहे कर रहे थे ना ये ज्यादा जरूरी है। हम आपके और विशु जी के बीच में नहीं आना चाहते थे और हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है जब हमारी वजह से आपको कोई भला बुरा बोलता है। इसीलिए कर रहे थे। इसका मतलब तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है? बाकी लोगों के कारण का बोल रही हैं आप? हमको परवाह नहीं है। हमको आपकी परवाह नहीं है मैडम जी। शायद आप नहीं जानती हैं हमारे जो प्राण है वो आपके अंदर बसता है। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। आपको शायद पता नहीं है तिल तिल मर रहे हम आपके लिए। लेकिन हम आपके और विशु जी के बीच में नहीं आना चाहते। इसीलिए हम ये सब नाटक किए हैं। बैजू मैडम जी हम भी आपसे बहुत लव यू करते हैं। आई लव यू। हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। हमको पता है। हम जानते हैं। डॉक्टर से बोल के गलत रिपोर्ट हम ही बनवाए थे। पैसा हम ही दिए थे। हमको लगा कि आप विशु जी से। तुम सोच भी कैसे सकते हो? सारे डिसीजन तुम खुद क्यों ले सकते हो? हमसे पूछा भी नहीं तुमने। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें छोड़कर किसी और के पास कैसे जा सकते हो? कहां जा पाए हम? अरे यही खड़े आपके सामने। क्या बताएं आपको? आपको मारना है तो मारिए। जितना मारना है मारिए।
हम नहीं देख सकते आपके आंख में आंसू। अब हम माँ जी को क्या कहेंगे? भगवान हमारा परीक्षा लेना बंद करो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है हम। पिसु बाबू तुम इतना देर से घूम रहे हो, थक गए होगे, पानी पी लो। अरे फोन नहीं लग रहा था, क्या हो गया? एक बार और ट्राई कर लो, लग जाएगा। नहीं पी रहे मुझे पानी। क्या हुआ बेटा है? अरे होना क्या है माँ, ना सृष्टि दिखाई दे रही और वो क्या नाम है उसका? अब बैजू भैया छोटकी भौजी के साथ है, वो ना दिखाई दे रहे हैं घर में। फुआ तुम फिक्र मत करो है, हम अभी ना सृष्टि को फोन लगाते हैं। अब छोटकी भौजी आ गई। सृष्टि कहाँ चली गई थी तुम? हाँ मैं यहाँ कितना परेशान हो रहा था, ऐसे कैसे जा सकती हो बिना बताए? कितनी बारी मैंने फोन ट्राई किया और तुम कॉल नहीं उठा रही हो। मैडम जी का तबीयत खराब हो गया था थोड़ा सा, इसीलिए डॉक्टर के पास ले गए थे। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ ओके, अभी 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 कैसा फील हो रहा है तुम्हें? हाँ और हमारा बेबी वो तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम एक काम करो, तुम ऊपर कमरे में चलो, ऊपर कमरे में चल के आराम करो। और आप खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? इनके लिए जाकर कुछ खाना लेकर आइए, इनको वीकनेस लग रही होगी। तुम चलो मेरे साथ। विशु जी हमें बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तुम आराम करो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी आराम की जरूरत है, ठीक है? चलो। विशु जी हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमारा हाथ। हमने कहा ना हम ठीक हैं, रेस्ट कर लेंगे। दुलरिया। हाँ फुआ। दामिनी कहाँ है? फुआ तो बहुत देर से हम भी नहीं देखे हैं उसको। कैसे हो? तुमने हमसे ये वादा क्यों लिया कि हम घर वालों को ना बताएं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? हमें लगता है हमें इसे जल्द से जल्द विशु जी और माँ को बतानी चाहिए। तुम समझ रहे हो, अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे तो हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। आपने आज देखा नहीं क्या अम्मा जी हम लोगों को कैसे नजरों से देख रही थी? हम जाके खुद बोल देंगे माँ जी को सब कुछ ठीक है। पक्का? आप जाके बोलिएगा तो बुरा मान जाएंगे शायद। अरे देखिए माँ जी को हम बता देंगे तो क्या है, माँ जी ना विशु जी की अम्मा है तो वो संभाल लेंगे विशु जी को। भाई सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है लेकिन हाँ लेकिन एक छोड़िए, आप हमसे प्यार करती हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, ये सबसे जरूरी बात है। कौन कहाँ जानता है, कब जानता है, क्या फर्क पड़ता है? हम पे भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। का हो रहा है अब ये देखो ना, दीवार पर कितनी सीलन हो रखी है, कुछ करना पड़ेगा। वो ऊपर 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 हाँ। आज इसका इलाज करते हैं हम, आज सीलन तो बहुत हो हुआ। मिस्टर जी को देखियो, हमारे मिस्टर जी। तुम्हारे मिस्टर जी नहीं, हमारे मिस्टर जी, कहीं दिखाई ये नहीं दे रहे हैं। नहीं हमने उनको कहीं नहीं देखा। हाँ तुम अपने चैंपियन से पूछो ना, उसको पता होगा कि उसके पापा कहाँ पर हैं। चैंपियन छोटे ठाकुर? हाँ एक काम करते हैं, हम छोटे ठाकुर से ही पूछते हैं कि उनके पापा किधर हैं। हाँ ठाकुर कैसे, ठाकुराइन भी तो हो सकती है, कैसे जानती हैं आप? छ,
छोटा ठाकुर छोटी ठाकुराई, छोटे ठाकुर ही होंगे ऐसा मिस्टर जी बोलते हैं। खैर हम उसी से ही पूछ लेंगे मिस्टर जी कहाँ है। हाँ काफी वो दिमाग विमग भी लगाया लगता है यहाँ। हाँ वो डिस्कशन कर लेना उधर ऊपर। वो देखिए ना ये दीवार पे कितनी सीलन है, कुछ करना पड़ेगा इसका। के साथ वो जाला भी है। हाँ, जाला साफ कर दिएगा तो उतना कुछ वही नहीं है। करवाना पड़ेगा इसको तो साफ जल्द से जल्द। अब बोलिए। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है देख लिया देख लिया, आज जो समझ में आया ठीक है, हमने तो कुछ नहीं कहा ना। हाँ।